हेलो नमस्ते वेल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। मैनी अ टाइम्स मुझसे मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि सर आप वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी बना रहे हैं, ऐसी वीडियोस हमें कहीं और देखने को नहीं मिल रही हैं, अच्छा मोटिवेशन मिलता है, सर आपको ये थॉट कहाँ से आया। ऑल दो आई डू नो कि मैं इस बात को रिपीटेडली रिपीट कर चुका हूँ कई बार, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातों को जितनी बार भी कहा जाए उतना ना केवल कम होता है बल्कि उसे बार बार कहना सही भी होता है। एंड द रीजन इज बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन न्यू हु वुड बी वॉचिंग द वीडियोज और दिस वीडियो इन इटसेल्फ एंड वुड बी वंडरिंग व्हाट एग्जैक्टली इज द ड्रॉइंग हाउस। ड्रॉइंग हाउस एक यूट्यूब चैनल है, तो वो बाकी यूट्यूब चैनल से अलग कैसे है, अलग है भी कि नहीं। वेल, सबसे पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है चैनल का कि हम सबसे बहुत अलग हटके होना चाहते हैं। ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू हैव एन एक्स फैक्टर, वी वॉन्ट टू हैव समथिंग ऑन द चैनल जो कि शायद हमारी खूबी हो, हमारा टैलेंट हो, जो कि शायद हम करने में अच्छे हों। एंड आई फाउंड आउट दिस एट अ वेरी अर्ली स्टेजेस दैट वी आर रियली गुड इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, वी आर रियली गुड इन making others believe in ourselves, and I suppose ये अपने आप में एक बहुत बड़ा milestone है जो हमने cover किया। हमने कई artists को invite किया, उन artists को जिनको हम comic books पे एक नाम के रूप में जानते हैं, उन artists को बुलाया गया और ना केवल उन्होंने अपना थोड़ा बहुत समय दिया बल्कि they gave us a lot of time। ऐसे न जाने कितने interviews हैं जिसमें मुझे याद आता है कि पहले आर्टिस्ट ने पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा, एंड आई एक्सप्लेन मे बी 30 मिनट्स, मे बी 40-45 मिनट्स, बट इंटरेस्टिंगली इनफ जब बातें शुरू हुई तो दे देमसेल्व्स वर सो मच इन्वॉल्व्ड इन द टॉक, इन द कन्वर्सेशन, इन द चर्चा, दैट ऑलरेडी एक घंटा, एक डेढ़ घंटा, समटाइम्स इवन टू आवर्स ऑफ रॉ फुटेज वी हैव, दो दो घंटे निकल जाते थे। सो दैट्स द चार्म ऑफ कम्युनिकेशन, एंड आई सपोज बाय ऑल गॉड्स ग्रेस We have that under control. The drawing house का अगर आप X factor पूछें तो मुझे लगता है यही है, belief. We tend to create the belief in the hearts of those whom we invite that हम कुछ अच्छा करने के capable हैं। अच्छा सब कर रहे हैं और वही हमारी कोशिश है, लेकिन उस कोशिश में कुछ ऐसा जो कि शायद कहीं और नहीं हो पा रहा था वो यही था कि हमें कोई एक ऐसा platform नहीं दिख रहा था जहाँ पे ये सभी आर्टिस्ट, सभी राइटर्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि वंस इन अ वाइल कोई एक वीडियो आ गई कॉमिक बुक आर्टिस्ट पे, नहीं नहीं, वी वांटेड टू मेक अ हार्ड कोर कॉमिक बुक और एनिमेशन डेडिकेटेड चैनल जहाँ पे कॉमिक बुक्स और एनिमेशन की बातें हों, मूवीज की बातें हों, कार्टून्स की बातें हों, स्पेशल इशूज़ की बातें हों, कलेक्टर्स एडिशन की बातें हों, ना केवल हम बातें करें बल्कि वो करें जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि बातें नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। The drawing house is very proud to say कि हम उनको यहाँ लाने में सफल हुए। But now is the big question, why? Motivation, दोस्तों, एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी भी एज ग्रुप के लिए जरूरी है। You might be in your 20s, you might be in your 30s, you might be in your 40s, even more. And whatever you're doing in your life, it is very obvious कि आपको जीवन में आदर्शों की जरूरत पड़ती है और आपके आदर्श आपकी पसंदीदा चीजों में होते हैं। इफ यू आर इनटू मूवीज एंड इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, आपके आदर्श कोई एक्टर हो, ये इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड इफ यू वांट टू एंटर द कॉमिक बुक इंडस्ट्री, कोई अचंभे की बात नहीं कि आपका आदर्श या आपके आदर्श हमारी इंडस्ट्री के लोग होंगे, राइट? एंड दैट वॉज द रीजन, उन आदर्शों को, उन लोगों को जिन्होंने अपनी अथक मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया, ना केवल इंडिया में मुकाम हासिल किया बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि आज से पहले किसी इंडियन आर्टिस्ट के साथ कभी नहीं हुआ होगा। वेरी ऑफन पीपल से एंड पीपल थिंक दैट हमारा चैनल प्रिंट मीडिया के लिए है, या दे आर सर्टेन पीपल जिनको लगता है कि हमारा चैनल सिर्फ प्रिंट मीडिया की ग्रोथ के लिए है। दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है। वी आर रियली ट्राइंग अ वेरी हार्ड to make an understanding that print media and electronic media both are important for entertainment and for knowledge. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ electronic media को target कर रहे हैं,
मैं खुद बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हर जगह ज़रूरत है। आप ये वीडियो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस बून, ये एक वरदान है हमारे लिए, उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा चैनल ये भी बताने की कोशिश करता है कि वरदान या अभिशाप में से चुनना आपके हाथ में है, और कई बार एक सिंगल क्लिक की दूरी पे होती है आपकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। हम शायद ये कहना सही होगा और सेफ होगा कि हम उस क्लिक को हर पल हर दम पॉजिटिव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिप्लाई फॉर द क्वेश्चन कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास वो आदर्श पहुंच पाए, उनकी अपनी जीवनी, उनके अपने जीवन में वो आर्टिस्ट कैसे बने, उनको किसने मोटिवेट किया, उनको आगे बढ़ने में किसने मदद करी, क्या वो अपनी पहली पेंसिल स्ट्रोक से ही बेस्ट थे या उन्होंने भी मेरी तरह आपकी तरह कोशिशें करी, वो गिरे, वो हारे, उनको सफलताएं भी मिली, उनको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो रुकते नहीं है। दैट्स वॉट लेगेसी इज ऑल अबाउट, दैट्स वॉट लेजेंड्स आर मेड ऑफ, दे मूव ऑन। द ड्रॉइंग हाउस आपको बताने की कोशिश कर रहा है मूव ऑन विद योर लाइफ। द ड्रॉइंग हाउस आपको बताने की कोशिश कर रहा है दैट डजंट मैटर कि आपके लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, इन अ कॉलेज और इन अ यूनिवर्सिटी और इन एनी वेयर इन एन अकेडमी, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द आर्ट इंडस्ट्री, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो कॉमिक बुक्स हो, एंड इफ यू आर रियली फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, बिकॉज लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग चल रही हैं, जनरेशन गैप्स की प्रॉब्लम अलग है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स अलग हैं, हाउ टू ब्रेक इन, यू ब्रेक इन विद योर डिटर्मिनेशन, आप अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉइंग हाउस उन्हीं दृढ़ इच्छा शक्ति वाले आर्टिस्ट को, कलाकारों को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स द एप्रोप्रिएट रिप्लाई, और ड्रॉइंग हाउस ये कोशिश करता रहेगा जब तक आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है। दिस इज वेरी क्लियर कि आज के ज़माने में एक 20 मिनट्स का, 25 मिनट्स का, 30 मिनट्स का इंटरव्यू देखा जाना बहुत बड़ी बात है। मुझसे कई लोग ये बात मुझे एडवाइस कर चलेंगे कि सौम्य सर आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। एंड देन देयर आर सर्टेन पीपल फ्रॉम आर इंडस्ट्री कहते हैं कि अरे यार सौम्य इसको लंबा बनाओ ना यार, और भी दिखाओ, हमें और देखना है। एंड दैट्स अ वेरी कॉमन डिलेमा जो कि हम लोग फेस करते हैं। एंड व्हाट टू डू, बिकॉज सोशल मीडिया का आजकल माहौल कुछ ऐसा हो गया कि एवरीवन नीड्स दैट 5 मिनट क्रैकर, वो 5 मिनट का पटाखा जो 5 मिनट में जल के बुझ जाता है और कुछ देर के लिए शोर करता है। हर किसी को वो चाहिए, हर किसी को वो 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 5 सेकंड तक का कुछ भी देखना है और फिर आगे बढ़ जाना है। ऐसे इस भागते हुए समय में हमारे ये लॉन्ग इंटरव्यूज उनके लिए ही है जो थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं अरे इस घर में क्या हो रहा है, इस घर में जिसका नाम है द ड्रॉइंग हाउस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में हमारी ये कोशिश और निखरती चल जाएगी आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से। बीइंग अ यूट्यूब चैनल एंड बीइंग अ यूट्यूब क्रिएटर, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को पॉपुलर करने में हमारी मदद कीजिए। जितना आप हमारी मदद करेंगे, हम उतना ही ज्यादा और बेहतर कंटेंट आपके सामने ला पाएंगे। वी आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर क्रिटिसिज्म, इफ योर क्रिटिसिज्म इज लॉजिकल एंड समथिंग दैट नीड्स टू बी डन फॉर द चैनल, फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द चैनल, वी विल डू इट फॉर श्योर। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।